और साथ में डाल दूंगी 1 टीस्पून जो ये देखिए कितनी हमारी मज़ेदार सी डिलीशियस हमारी ये आलू की भुजिया रेडी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई मज़ेदार सी आलू की भुजिया की रेसिपी रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। ये थोड़े से मैंने काट लिए हैं, एक आलू मैंने रख लिया है, मैं काट कर दिखाऊँगी। ये बड़ा आलू हो जिसको आप 3 हिस्सों में कर लें, हमने इसको ऐसे लंबे लंबे क्यूब्स में काटना है, ऐसे करके हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही शानदार आलू की भुजिया रेडी होगी, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया, इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल का, इसको गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, जो आलू हमने काटे हैं वो हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। मैंने 1 kg ये पोटैटो लिए हैं, इसको चिप्स की शेप में मैंने काटा है, तो इसको हमने अब आलू को हमने 2 से 3 मिनट ये ऑयल के अंदर फ्राई करना है। आलू को ऑयल के अंदर 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया, अभी 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख लेंगे ताकि आलू का कच्चापन खत्म हो जाए, थोड़े से नरम हो जाए। मुकम्मल हो गया है ढक्कन, हम उतार देंगे, ये तकरीबन हमारे से नरम हो गए हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर डाल लेंगे 1 टेबल स्पून हम जीरा का डालेंगे, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है हम ये डाल देंगे। फिर डाल के हम अच्छे से इसको भून लेंगे, जीरे का बहुत ज़बरदस्त सा जायका आएगा, अदरक लहसुन का भी साथ में बहुत ज़बरदस्त। ये भुजिया रेडी होने वाली है, आप इनको बहुत पसंद आएगी। हमने वीडियो को फुल वॉच करना है और रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया कीजिए। 1 से 2 मिनट इसी को फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। साथ में ये 2 बड़ी साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, टमाटर को हम बीच में से काट लेंगे। काटने के बाद इसकी हमने क्यूब्स कर लेनी है। टमाटर काटने के बाद साथ में हमने जो हरी मिर्चें ली हैं ये ब्लेंडर में डाल के हमने इसका पेस्ट बना लेना है। ये मैंने कटिंग कर ली है और ये हरी मिर्चें 4-5 मिनट डाल के इसको मैं ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 से 2 मिनट में इसको भून लिया है। अब इसके हम कुछ मसाले डालेंगे, ये 1/2 टीस्पून ये है रेड चिली, ये लड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, ये हम डाल देंगे। 1 टीस्पून ये है पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम ये लाल मिर्च डाल देंगे किसी में, नमक का हिसाब जरूरत आप डाल लें, मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट में इसको भून लेंगे हम ऐसे ही। कुछ मसाले डालने के बाद इसको हमने भून लिया है, जहाँ पे हमने टमाटर और मिर्च का पेस्ट बनाया है हम ये डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी है हमारी भुजिया आलू की रेडी होने वाली है। फिर जब के अंदर बची हुई रेडी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो भी डाल दिया है। इसको हम यहाँ पे मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सारे मसाले में अच्छे से लटियान हो जाएं। जहाँ पे हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट मुकम्मल हो गया है, हम उतार लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी चिली का चटनी कलर भी है और ये बहुत ही टेस्टी रेडी खूब और ज़बरदस्त आ रही है। जहाँ पे डाल दूँगी 1 कप में दही का और साथ में डाल दूँगी 1 टीस्पून जो गरम मसाला है हम ये डाल देंगे। इसको हम डाल के
यहाँ पे आप हम स्टोव कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। हमारे 3 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चूल्हा मैंने आप बंद कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त ये हमारी आलू की भुजिया रेडी हो गई है और हरे धनिया के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार तंदूर की रोटी के साथ चपाती के साथ इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है और घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ रेडी हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू, उसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया। हमारी गर्मा गर्म सी आलू की भुजिया रेडी हो गई है जो हमने डिफरेंट स्टाइल में बनाई है और बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। ये देखिए ये बहुत ही खाने में मज़ेदार है, बच्चों बड़ों को सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।